सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह की लिखी है बच्चों, आपने ध्यान से देखिएगा। क्लास कौन सी है? टेंथ, ठीक है। चैप्टर आपका है मैथ्स। चैप्टर कौन सा है? नाइन, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज इसमें 9.1, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो भाई कह रहा है ए इस, बाकी तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, पहले उसको देख लें तब यहाँ पे आए तो अच्छी तरीके समझ में आएगा, ठीक है। ए स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए, ओ सॉरी शक्तिमान, 1.6 मीटर टॉल टॉप ऑन द पेडेस्टल। देखो भैया जैसे पेडेस्टल देखा होगा आपने, कोई एक भी बेस कह सकते हैं आप उसे, बेस कह सकते हैं, ठीक है। ये बेस हो गया, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी है इस तरीके से, ठीक है, उसे बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक। बहुत जगह देखा होगा आपने, ठीक है। तो अब क्या रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो यहां से देखो जरा, ये मान लो पेडेस्टल कितना बच्चा 60 डिग्री। उसके बाद अरे लो ना भैया लिख दिया यार, काहे नाराज हो रहे हो आप, ठीक है जी। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और इसके बाद फिर पेडेस्टल से यहाँ, ये पेडेस्टल का टॉप हो जाएगा, यहाँ से कितना बच्चा 45। हाइट ऑफ द पेडेस्टल एच मान लिया, करो उसको सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री क्या होगा बताओ जरा, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है बेटा, पेडेस्टल की हाइट। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 1.6 प्लस एच, बी सी हमें नहीं पता, इधर भेज देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब लो इन ट्राइंगल, अच्छा सॉरी इसका नामकरण नहीं किया मैंने, ई लिख लो, ठीक है। इन ट्राइंगल बी ई सी, तो 10 45 है ना, एच अपॉन चलो लिख दो बी ई अपॉन में, ये 1 हो गया, बी की वैल्यू एच हो गई और बी सी की वैल्यू एच, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, 1.6 इंटू रूट 3 इसका टू एच, यहाँ पे लिख लो। देखो बच्चा मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी से देख सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, तो आप लोग ठीक है इसको इधर ले जाओ। सॉरी देखो एक स्टेप उड़ा दिया था मैंने, यहाँ से एच कॉमन ले लो, ठीक है। एच कॉमन लेंगे तो रूट 3 अपॉन में आ जाएगा, 1.6 अपॉन में। अब फिर क्या करेंगे इसका, रसमलाई क्या करेंगे, क्या बताने वाली बात बोलो, यू ए ये बी, यू ए ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना, चलो लिख देता हूँ 2.8, है ना। देखना पॉइंट में आंसर आ रहा है, एक बार चेक करो, आंसर चेक करो जल्दी फटाफट, यही है, ठीक। छापो, हाँ छापो छापो जल्दी, किसी को भी कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा।
देखिए तो नाइन्थ क्वेश्चन है ना, नाइन्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में भी देख सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, देखो दो है, इसका मतलब ये है कि एक बिल्डिंग है और टावर को थोड़ा छोटा कर दो, है ना, टावर को थोड़ा छोटा कर दो, बिल्डिंग को थोड़ी बड़े कर दो, ठीक। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मान लीजिए ये बिल्डिंग है ना, ये क्या लिखें हम, बिल्डिंग लिख लो, ठीक है, और ये क्या लिख लो, टावर लिख, तो इसके टॉप से, इसके बॉटम से फुट, फुट कह रहा ना, कितना है बेटा, 30 डिग्री भैया, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, टावर से बिल्डिंग के फुट पे कितना डिग्री, 6 डिग्री, ठीक है। उसके बाद वो कहता है बेटा इफ द टावर हाइट, कितना बेटा टावर की कितनी है बेटा, 50 मीटर, तो बोलता है इसकी हाइट ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी लेंगे, ठीक है, देखो क्या होगा हमारा, टेन 60 डिग्री होगा बच्चा, ए बी अपॉन में बी सी रूट 3, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी सी हमें नहीं पता यार, प्लीज़ पढ़ाई कर लो, बातें मत करो प्लीज़, 17 तारीख को टेस्ट है बेटा, ध्यान रखना, और अब जल्दी ही बहुत सारे टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है। इन ट्राइंगल डी बी सी 10-30 डिग्री, तो क्या होगा बच्चा यहाँ पर, डी सी अपॉन में 10-30 की वैल्यू, डी सी की वैल्यू निकालनी है, बी सी हमें नहीं पता, तो बी सी कस्ट क्या होगा, एच रूट 3, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब ये इक्वेशन दो, अब दोनों को बराबर कर दो, बी सी बी सी बराबर हो गए फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, कितना हो जाएगा बच्चा, रूट थ्री, तो एच की वैल्यू कितना हो गया, सिंपल सी से नीचे ले आओ ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत, उससे फर्क नहीं पड़ता, रूट थ्री होता भाई, जब इसको यहाँ भेजेंगे तो रूट थ्री तो आएगा, ये 3 कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। फिर अगला स्टेप नीचे ले आया, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है, किसी को भी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो, सभी को मेरा राम राम।